हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक रेसिपी ब्लॉग। सो ये है काली दाल। आई डोंट नो इस दाल को क्या कहते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट में बता देना। आई एम रियली नॉट श्योर। सो मुझे ये काली दाल, इनफैक्ट मेरी फैमिली को ये काली दाल काफी पसंद है मेरे हाथों से। तो मैंने सबसे पहले तो ये टेप कटोरी, मैंने ये दाल को भिगो लिया था। सो ये रही, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला और प्याज काटा, आधा प्याज बस ये डाला है। अब मैं इस दाल को डालूंगी, मुझे पहले सीटी लगानी है, ठीक है। आप भी मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी कुकर में। अब जैसे इसमें 5 से 6 सीटी लगी, थोड़ा पानी छूटता है ना, तो इस वजह से बाहर तक आता है इसका, चट 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 करता है। ये हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने एक्चुअली 1.5 मीडियम साइज का लिया था। मीडियम साइज अगर आप देखोगे तो ऐसा मैंने 2 लिया था। आधा आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था, और जो आधा बचा हुआ था वो अब मैं तड़के में डाल दूंगी। ये मेरा बनाने का स्टाइल है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, तो प्लीज आप मुझे अपनी भी रेसिपी बताना और मुझे टैग करना मत भूलिएगा। दैट इज wonder_Deepika90। जल्दी से एक बार हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। नमक मैंने थोड़ा कम डाला था क्योंकि मुझे टमाटर को भी थोड़ा अच्छे से गलाना है तड़के में, तो मैं अब नमक फिर से डालूंगी, ठीक है। तो एक बार इसको हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो है अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यू वॉन्ट बिलीव, अगर आप यहाँ होते तो यू फील है कि मुझे इसे खाना है और मैं आप सबको जरूर खिलाती। कभी आइएगा और मेरे घर में इसमें इसको उबाल एक बार आ जाएगा, फिर मैं ये पूरा तड़का इसमें डाल दूंगी। सब होने वाला है मेरा तड़का। आप चाहो तो दाल इसमें पलट दो, लेकिन ये छोटी कढ़ाई है तो पूरी दाल नहीं आएगी, तो मुझे इसको पूरा पलट उबालने तो मैंने रख दिया। अच्छा सा रंग आ चुका है हल्दी का भी और नमक भी चला गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर उबलने रखूंगी, जैसे उबल जाएगी ये मेरी दाल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आपको आज भी अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि मैं अपना बहुत टाइम लगाती हूँ एक वीडियो को बनाने में। आपको पता है मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करना कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो आप भी समझिए मेरी चीजों को, मैं बहुत मेहनत करूंगी इसी तरह, और अच्छी अच्छी रेसिपीज और अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ आऊंगी। और टिल देन अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते रहिए। और तो और ये जो दाल है मेरी, इसे मैं कहूंगी दीपिका की दाल। सो दीपिका की दाल को बनाइए और मुझे टैग करिए। देन सी या, बाय।